My name is Roshni. I'm from Patna. I want to learn dance from her. And many sports and any or many other circular activities. That overall end goal kya hai? The breeding and fooding. This is the most important rule of our life. तुमी जे आमार जुगे जुगे। मैंने वेटरनरी साइंस इसलिए लिया क्योंकि मैं BDS भी ले सकता था, लेकिन BDS में इसलिए नहीं लिया कि जीवन भर मुझे दांत नहीं देखना था। मैं बापी पाटड़ी, मैं सुंदरबन वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल से। हाँ ठीक है। मेरा नाम पूजा कुमारी है और हम छपरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा नाम कल्याणी भारती है, मैं हाजीपुर से हूँ। क्या है? हाजीपुर से। मेरा नाम श्रवण कुमार साहू है, मैं धनबाद से हूँ। मैं धीरज कुमार, नालंदा जिला से हूँ। माय नेम इज रोशनी, आई एम फ्रॉम पटना। दिस इज रिया फ्रॉम पटना। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं बरुआ शेखपुरा जिला से हूँ। Myself Arghadeep Sasmol from West Bengal. Myself Vikas Kumar Singh from Bhagalpur, Bihar. Myself Suryadeep Kumar from Patna. Myself Rajnish Kumar from Nalanda. Myself Anish Kumar from Nalanda. Myself Roshan Kumar from Samastipur. मेरा नाम तौसीफ अख्तर है, मेरा गृह जिला छपरा है। गौतम भारद्वाज फ्रॉम पटना। मेरा नाम रोहित वीर है और मैं धोनी के शहर रांची से हूँ। आई एम आयुष आर्यन एंड आई एम फ्रॉम पटना। आई एम आदित्य राज फ्रॉम धनबाद झारखंड। हेलो फ्रेंड, आई एम रंजन सिराज फ्रॉम सिवान। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि MBBS सबसे सुप्रीम पे है नीट देने के बाद। तो मैंने वेटनरी इसलिए लिया कि एक तो नंबर कम था और उसके बाद से मुझे थोड़ा एनिमल में इंटरेस्ट ज़्यादा है। थैंक यू। मैं अपने बारे में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं जब आया था तो मैं एक्चुअली झारखंड से काउंसलिंग करा रहा था, तो मेरी स्कोर 575 थी और मेरे पापा ने बोला कि, और सभी कोई बोल रहे थे कि यार BDS कर लो। BDS करने के लिए मैं आया वहाँ पे, फिर मेरे को रिम्स रांची भी अलॉट हुआ था, फिर मैं यहाँ आया PDC पटना भी अलॉट हुआ। फिर भी मेरे मन में आया ना कि यार ये BDS किस तरह का चीज़ है जिसके अंदर में आप डॉक्टर भी हो और आप हर चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। फिर मेरा मन में आया कि यार सबसे बेस्ट अगर देखा जाए ना तो वेटनरी साइंसेस है, जो कि MBBS के बाद सबसे सुपीरियर है। मेरा वेटनरी लेने का कारण बस इतना था कि कहीं ना कहीं एक नॉन कन्वेंशनल जॉब है। आप रोज़ जो हम लोग डेली ऑफिस देखते हैं 9 to 5 जॉब होती है, या फिर कहीं ना कहीं जो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है एक डॉक्टर का, उससे ही अलग है। थोड़ा लाइफ में एडवेंचर है, थोड़ा कुछ अलग है जो हर इंसान नहीं कर सकता। हर इंसान वाइल्ड एनिमल को ट्रीट नहीं कर सकता, उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेफरेंस मेरे मन में हमेशा से रहा था। जू एक मेरा गो टू प्लेस रहा है हमेशा से, तो इसलिए कहीं ना कहीं वेटनरी रहा मेरा। मैंने वेटनरी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पे प्रेशर बहुत था और मैं इस प्रेशर को रिलीज़ करके मैं ताकि फिर से नीट का एग्ज़ाम दे सकूं। मैंने वेटनरी साइंस इसलिए लिया क्योंकि मैं BDS भी ले सकता था, लेकिन BDS में इसलिए नहीं लिया कि जीवन भर मुझे दांत नहीं देखना था। इसलिए मैंने वेटनरी साइंस लिया। वेटनरी इसलिए लिया क्योंकि MBBS के लायक नंबर नहीं था और शुरू से चिड़ियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम आगे एवियन बनने का देख रहे हैं, तो इसीलिए वेटनरी लिए। मेरा भी मतलब एक तरह से देखा जाए यूजुअल, जैसे सबको MBBS नहीं मिला फिर वेटनरी में आना, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेट से मिले। उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वेटनरी एक अलग लाइन है और मतलब यहाँ नेचर से कनेक्ट होने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरा फैसला ठीक था वेटनरी में आके यहाँ। और मुझे पसंद आया कि ये भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ जॉब का सबसे सुप्रियस यहाँ सिक्योरिटी है और सब अच्छा है। ना तो MBBS था पर मिला नहीं, मेरे कज़न वेटनरियन थे तो पहले से तय था कि MBBS नहीं तो फिर वेटनरी। तो और मेरा ये था कि मैं बचपन से ही डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी ये सब बहुत ज़्यादा देखता था, इसलिए वेटनरी में आकर खुश हूँ। थैंक यू। मैं वेटनरी कॉलेज इसलिए लिया क्योंकि
मेरा, क्योंकि मेरा दो बार नीट दे चुके थे फिर भी नहीं हो रहा था, तो सोचे टेंशन रिलीज करने के लिए इस बार ले लेते हैं कोई। जैसा कि सभी लोग नीट के एग्ज़ाम देते हैं तो सब चाहते हैं कि एमबीबीएस हो, मैंने भी वही सोचा था, बट थोड़ा नंबर कम रह गया, तो पता चला कि इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स है। हमारे कई रिलेटिव्स भी हैं जो इस डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें बहुत स्कोप है, एमबीबीएस के बाद ये सुप्रीम है, तो इसी को ले लो, तो ले लिया। और थोड़ा घर में जानवर वानवर भी रहते हैं तो उनसे भी लगाव है। आई बेसिकली बिलोंग टू बिजनेस मैन फैमिली, सो माई फैमिली हैड 9 to 12 जॉब्स, डेली रूटीन दैट फॉलोड बाय मैनी पीपल्स आर इंडिविजुअल एंड आई सो वॉन्ट टू ज्वाइन इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड हेयर भास्ट करियर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड मैन थिंग लर्निंग अबाउट न्यू थिंग इन लाइफ दैट ऑल अदर पीपल नॉट डू। थैंक यू। मेरा वेटनरी लेने का ये कारण रहा कि मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं और बचपन से छोटा से लेकर बड़ा जो जानवर होता है उनको देख के बड़ा हुआ हूं, तो जो जानवर होता है उनको बचपन से मैं प्यार करता था, तो आई लव द पेट्स एंड जो इधर आके जो पढ़ाई चल रहा है वो भी मज़ा लग रहा है, तो बाकी जाके इसका जो जॉब प्रोस्पेक्ट है तो वो भी अच्छा खासा है। यूजी पीजी करने के बाद जो यूपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें भी अच्छा खासा ऑप्शन रहता है वेटनरी देने के बाद। इसके अलावा वेटनरी के रिलेटेड जो एनिमल रिलेटेड जो जॉब एनिमल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है अकॉर्डिंग टू CAGR रिपोर्ट 7.5% पिछले 2 साल पर इंक्रीज़ हुआ है, तो इट वी एनिमल का ट्रीटमेंट ज़रूरी है और इसलिए मैं वेटनरी पसंद करूँगा। MBBS मिल नहीं पाया, उसके बाद फिर यदि बाकी सभी क्षेत्र में देखा जाए मेडिकल क्षेत्र में तो इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, ऊपर से डॉक्टर भी बन ही जाते हैं। अब दूसरा बात है कि जानवर से भी कहीं ना कहीं लगाव था इसलिए मैं वेटनरी लिया। मेरा स्टेट में, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो बंगाल में ओनली एक वेटनरी कॉलेज, तो वहाँ पर क्या होता है सीट बहुत कम होता है, तो सीट काम होने का मतलब यह होता है वहाँ पर स्टूडेंट में काम आएगा। अरे वहाँ पर MBBS टोटल 4000 सीट है, MBBS टोटल 4000 सीट है, इससे मतलब कि एवरी ईयर कॉम्पिटिशन काम होने का मैं सोचता हूँ। जहाँ पर कंपटीशन काम होता है वहाँ पर कुछ करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं सोचा नहीं वेटनरी में। Being realistic, initially I chose veterinary just because I missed an MBBS seat. But after NEET, I searched a lot and I found veterinary is the best option. There is no veterinarian in my family, so I decided to pursue my career in veterinarian. MBBS नहीं मिला तो सोचा कुछ ऐसा करें जिसमें मेरा घर पे मेरा काम हो जाए, तो वेटनरी समझ में आया कि गाँव में रह के सारा काम हो जाएगा मेरा और पैसा का दिक्कत भी नहीं होगा, तो वेटनरी चुन लिए। वेटनरी में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा क्या चीज़ इसमें बिजनेस का भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से मैंने वेटनरी को चूज़ किया। मैं नेचर लवर बहुत ज़्यादा और एनिमल्स के बारे में जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो इसीलिए वेटनरी लिए। मेरी बहन वेटनरी डॉक्टर है और वो बहुत अच्छा कर रही है वेटनरी में, उनको देखकर हम इंस्पायर हुए और हम एनिमल लवर भी हैं और काफ़ी कुछ मतलब उनसे देख के अपनी बहन से कुछ एनिमल के लिए वो बहुत अच्छा किए और उनको देखकर हम इंस्पायर हैं और हम भी बहुत अच्छा वेटनरी में करना चाहते हैं, यही कारण है कि हम वेटनरी लिए हैं। आई वॉन्ट टू लर्न गिटार। I want to learn horse riding and my friend Roshni is a very good dancer, so I want to learn dance from her. I want to learn how to balance study with fun and also learn to horse riding. I want to learn archery. मेरे को गाना सीखना बहुत पसंद है और फिर भी मेरा पेंटिंग में अच्छा नहीं कर पाता हूँ, बार फिर भी आयुष से मेरा फ्रेंड आयुष से उस समय बोला उस समय पेंटिंग सीखूँगा कैसे पेंट करना उसका कलर कैसे करना सीखूँगा, ये मेरा बहुत अच्छा शौक है बहुत। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। हम NCC ज्वाइन करेंगे यहाँ, हॉर्स राइडिंग सीखेंगे और वॉलीबॉल सब खेलता है तो हम भी सीखेंगे सब साथ खेल के।
मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना है और यहाँ पे आकर एक टीम बनाना क्रिकेट का, और एक इच्छा है कि मुझे ट्रॉफी जीतना है अपनी टीम के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी मैं एनसीसी में ज्वाइन किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हुआ हूँ, तो बीवीसीएल में आगे पार्टिसिपेट करूँगा और अपने फर्स्ट ईयर के लिए ट्रॉफी जीतने का प्रयास करूँगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हम लिटरेरी वर्क की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम थोड़ा शायरी वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हो पाता है क्या नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हम गिटार और डांस सीखना चाहेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पब्लिक स्पीकिंग और कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की ख्वाहिश रखता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी व्हाट यू वांट टू लर्न इन कॉलेज, ये सारे चार साल का ड्यूरेशन बहुत होता है, तो कुछ तो सीखना चाहोगे, पढ़ाई के अलावा होना चाहिए कुछ। मैं यहाँ पर सबसे पहले हॉर्स राइडिंग तो पक्का सीखूंगा, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट वही करता है। उसके साथ साथ मुझे सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, और उसके साथ साथ मैं एक बार अपने कॉलेज के अंदर में एंकरिंग करने का बहुत शौक है, जब भी मौका मिले बॉस लोग देंगे। हाँ, मौका सर सबकी पूजा में कर सकते हो, हॉर्स एंकरिंग और भी बहुत सारी, अभी तुम्हारे जूनियर आएंगे तो फिर तुम उसको वो दोगे, पार्टी दोगे, हाँ तो उसमें तुम कर सकते हो, एंकरिंग कर सकते हो, वेलकम पार्टी थी, फ्रेशर पार्टी होती है। क्या मेरा तो 3-4 साल से प्रिपरेशन में इतना टाइम वेस्ट हो गया है कि मैं चाहूँगा कि सभी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ और अपने को इम्प्रूव करूँ। आई बेसिकली वांट टू लर्न फ्रीलांसिंग एंड मैनी थिंग एल्स लाइक वॉलीबॉल प्लेइंग स्किल एंड मैनी स्पोर्ट्स एंड एनी और मैनी अदर सर्कुलर एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइज बाय स्कूल कैंपस एंड मैनी थिंग्स। मेरा हॉबी है, फर्स्ट मेरा हॉबी है गाना, ठीक है, तो क्योंकि गाना गाना मेरा अच्छा गाना गाना अच्छा लगता है, तो मेरा भी याद आ रहा है। बंगाली का चिरो दिन तुम्हें जे आमा जुगे जुगे आमी तुम्हारी जे तुम्हार तुमी आछो से आमारी संगी संगी आमरा आमार संगी। मेरा हॉबी पढ़ना है और कुकिंग करना है। मेरा हॉबी फोटोग्राफी है। मेरा हॉबी पहलवानी है। माय हॉबी इज डांसिंग। माय हॉबी इज पेंटिंग एंड कैलीग्राफी। माय हॉबी इज रीडिंग नॉवेल एंड फाइनेंशियल। माय हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। माय हॉबी इज लिसनिंग पॉडकास्ट एंड प्लेइंग वॉलीबॉल। माय हॉबी इज लिसनिंग सॉन्ग एंड प्लेइंग क्रिकेट। My hobbies, my hobby is eating healthy food and playing carrom board. Hobby, dancing or singing boss. Actual, bathroom singer hai boss. बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं। नहीं आ रहा है। मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनु प्यार करदा है, मेरे अलावा जान गए सब, मुझे पे तू किन्ना मरदा है। मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनु प्यार करदा है। मेरा हॉबी टू प्ले क्रिकेट और सिंगिंग। गाना गाओगे? एक गाना बस यार। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठे हैं प्यार के कसमें,
मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा उसी ने यारो मेरा दिल तोरा तोरा तन्हा तन्हा छोड़। माई हॉबी इज स्केचिंग एंड पेंटिंग। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। माई हॉबी इज ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट। I'm a bibliophile and I really like doing paintings and sketchings. मेरी हॉबी है यार टीचिंग करना। मेरी खुद की अपनी YouTube चैनल है ऑर्गेनोलिज्म नीट। तो बॉस का चैनल जो जो देखता है प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट कंटेंट मिलते हैं। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। यार अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर किसी के अंदर जब से हम लोग नीट की तैयारी करते हैं सभी कोई टू मच मतलब अपने आप को फोकस करते हैं पढ़ाई के ऊपर में। उस समय हम लोग एक बोलते हैं कहावत सुने हो कभी कि ना वफा चाहिए ना वफा की बात होगी अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। ये हमारे बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा था और इसको मैंने फॉलो भी किया था। और ऐसे हमारे कोई अभी फिलहाल तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है। कॉलेज आने के बाद यार ज़रूरी है ये सब चीज़ क्योंकि स्ट्रेस को भी रिलीज़ करना है लाइफ में। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है और लेकिन बस ये होना चाहिए कि आपका टारगेट एग्जाम फोकस अपना करियर होना चाहिए बिकॉज करियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को चलाना और उसको साथ साथ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार कुछ ना कुछ करो ओवरऑल एंड गोल क्या है द ब्रीडिंग एंड फूडिंग दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ आवर लाइफ। इंटरेस्टिंग बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा मेरे ओपिनियन में रिलेशनशिप इज़ नॉट अ थिंग कि होनी ही चाहिए पर अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है पर्सनल प्रेफरेंस है अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो वो करे पर हाँ अकेडमिक्स मैनेज होनी चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पास ऑन। रिलेशनशिप के बारे में मेरा ये ख्याल है कि रिलेशनशिप होनी तो चाहिए लेकिन उसको बैलेंस वे में करना चाहिए। तो अभी तक मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ लेकिन आई एम अप्रोचिंग फॉर समवन। ये बढ़िया था गुरु। मेरा भी मतलब ये ख्याल है कि रिलेशनशिप और स्ट्री दोनों को बैलेंस वे में रखना चाहिए। ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ रिलेशन भी किसी का पर्सनल मैटर है तो रिलेशन रहेगा तो भी ठीक है नहीं रहेगा तो अब भी ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन सीट स्टार्ट एज ए फीलिंग बट टू कंटिन्यू इज आवर चॉइस।